तो गाइज यार, तुम लोग भी Wcc3 खेलते हो और उसके अंदर तुम्हारे भी ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, लो एंड ग्राफिक्स आते हैं और वहाँ पर तुम लोगों को दिखती है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे भाई या फिर कोई यूट्यूबर हो या फिर कुछ लोग उन्हीं चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेल लेते हैं भाई अल्ट्रा ग्राफिक्स में। तो तुम लोगों को भी सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो। ये था छोटा सा इंट्रो, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर ये जो सेटिंग होने वाली है सारे फ़ोन के अंदर वर्क हो जाएगी, चिंता मत करो, चाहे वो लो एंड डिवाइस हो, चाहे बड़े से बड़ा आईफोन क्यों ना हो, सभी के अंदर सेटिंग वर्क हो जाएगी। ट्रिक होने वाली है एक आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है खास और सब कुछ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक किया मैं 50 लाइक आई थिंक यू नहीं करोगे, बट तुम लोग कर दो, मेरा तो कहने का काम है, कह देता हूँ। डेली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, रोज ऐसे ही रोजाना मस्त वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाथ मिला हम दोनों ने, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस ग्राफिक्स का क्या काम होता है। देखो गाइस, जब भी आप लोग गेम खेलते हो उसके अंदर आप लोगों को जो चित्रण दिखाई देते हैं, चित्रण मतलब जो भी आपको दिखाई देता है, ऑडियंस बैठी है, अंपायर दिख रहे हैं, अगर ये आपको भद्दे दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये लो एंड ग्राफिक्स हैं, अगर आपको थोड़े से ही दिखाई दे रहे हैं यानी कि मीडियम ग्राफिक्स हैं, और इसके भी ऊपर आते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स, इसके बाद हाई ग्राफिक्स भी होते हैं, उसके बाद होता है अल्ट्रा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं बना रहा हूँ इस बात तो अब आप लोग क्या होता है आपके मोबाइल में मीडियम ग्राफिक्स ही, कुछ लोगों के में लो या फिर मीडियम होते हैं, तो काफ़ी लोग मीडियम के बाद देखते ही नहीं कि भाई उनको मीडियम ही पसंद आया था। पर मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ जो मैं खेलता हूँ मेरे दोस्त खेलते हैं वही सब खेलें, आप सब भी वही फीचर को अनलॉक करो। अब आप लोगों के लिए एक मस्त सी बात, मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो ग्राफिक्स का फाइल होने वाला है ये 10 MB का होने वाला है, इससे कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी जाकर रोने मत लग जाना कि भैया फेक वीडियो है, लिंक नहीं देता है गूगल ड्राइव पे, कहीं ओप ये नहीं करता, ये ऐसे एक्सेस नहीं देता, तो ये रोना मत रोना। चलो बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक APK का लिंक दिया, उसको इंस्टॉल कर लो, जल्दी जाकर जाओ जल्दी जाकर लो। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इस एप्लीकेशन में तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपके लिए प्रोसेस भी लेके आऊँगा, प्रोसेस मांग सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर तुम लोगों के लिए सिंपली मेरे पास एक चीज़ है तुम लोगों को करना, क्योंकि तुम लोग अपने Wcc3 के अंदर आना है बिना किसी फाइल के करना चाहो तो, मैंने फाइल के बाद अभी भी आगे वीडियो में बची हुई है वो तो APK तक था, अब APK का करना क्या है वो आगे वीडियो में। आप सुन लो, जिन लोगों को फाइल का झंझट नहीं चाहिए सिंपली अपने Wcc3 को ओपन करो, सेटिंग वाली 3 लाइन पर क्लिक करो, 3 लाइन पर क्लिक करूँगा, सेटिंग को अनलॉक करो, वहाँ पर ग्राफिक्स को हाई कर लो। अब ये चीज़ हाई करने के बाद वहाँ पर लिखी आ जाएगी योर डिवाइस नॉट सपोर्टेड, वरना कि काफ़ी सारे फ़ोनों में 3 से 4 GB रैम या फिर 64 GB स्टोरेज होता है उनके में, तो काफ़ी ज़्यादा सही होता है, बट कुछ कुछ डिवाइसों में 16 GB भाई उनके में ये चीज़ नहीं वर्क करेगी, जिनके में नहीं वर्क करेगी वो फाइल की तरफ देखेंगे, जिनके में वर्क कर जाएगी वो ऐसे ही मज़े उठाएंगे। अब भाई फाइल वालों की बात कर लेता हूँ, उससे पहले ऐसे आप लोग कहोगे भाई इसमें तो हम लोग हाई पर वैसे भी था, बट इसमें खास बात क्या है भाई, एक बार से तुम लोग लो ग्राफिक्स कर एक मैच खेलना फिर अचानक से हाई कर लेना, भले तुम्हारे में पहले से हाई क्यों ना हो, और मेरी गारंटी है कि तुम लोगों को फ़र्क साफ दिखेगा भाई, मतलब फ़र्क साफ है यार अगर अनलॉक करते हो तो। और हाँ, और ये जो फाइल वाला सिस्टम था ये सुन लो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने सिंपली एक APK का लिंक दिया है जो कि GFX, अब इसको अपने डाउनलोड कर लेना, इसके बाद तुम लोग उसमें सारी सेटिंग कर सकते हो, कुछ यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, शायद यूट्यूब पे ना मिले आप लोगों को Wcc3 के लिए, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर सकते हो, मैं 31 मिनट का इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर 1 मिनट में आप लोगों को सबको समझा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट डाउन करते हो तो मैं आप लोगों को वहीं पे लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। अब बात कर लेते हैं अनलिमिटेड प्लेटिनम कॉइन कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अब सुन लो भाई, अनलिमिटेड प्लेटिनम कॉइन के लिए आप मेरे मोड्स वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ये सारे ही वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये नहीं कहूँगा क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि लिंक होती नहीं है फिर तुम लोग परेशान होते हो, तुम्हारी क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होती, तुम लोग मुझे पता मज़े उठा रहे हो, तो अभी जाकर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले देखो। और हाँ, मुझे आगे वाले वीडियोस का टॉपिक बताना मत भूलना, अभी बताओ जल्दी से, वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का, जो पहले करेगा उसे शॉर्ट आउट मिलेगा अगली वीडियो में।